जय माई दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका होस्ट सजीव शर्मा इस समय उपस्थित हूँ माता वैष्णो देवी जी के पवित्र भवन पर। दोस्तों, आज है पहला नवरात्रि और हम अपने नवरात्रों की शुरुआत कर रहे हैं जी माँ भगवती माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन प्राप्त करने के साथ ही। प्रथम नवरात्रि समर्पित होता है जी देवी शैलपुत्री जी को और अभी के लिए सुबह के 4:15 हो गए हैं। मैं बढ़ रहा हूँ महामाई की अटका आरती में सम्मिलित होने के लिए और बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन से लाइव अपडेट दिया जाएगा। तो बिना किसी देर के अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, महामाई की असीम कृपा के साथ पहले नवरात्रि पर, प्रथम नवरात्रि पर महामाई की अटका आरती में सम्मिलित होकर आ चुके हैं जी। महामाई के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अलौकिक अनुभव रहा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो जो बुकिंग होती है अटका आरती की वो एकदम फुल चल रही है। ऊपर जो अटका आरती प्रांगण है वो एकदम फुल पड़ा था। तो आज के लिए जितने भी श्रद्धालु फ्री वाली लाइन से अटका आरती में गए हैं उनको सबको नारियल प्रांगण में बिठाया, इंक्लूडेड मी। मैं भी आज नारियल प्रांगण में ही बैठा, लेकिन ऐसा है कि चलो नवरात्रों की शुरुआत अच्छे तरीके से हो गई है, महामाई की आरती में भी शामिल हो गए हैं, दर्शन भी बहुत अच्छे रहे। दर्शन तो इस बार जो अब आज दर्शन हुए हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत रहे, बहुत ही अद्भुत रहे। और अभी के लिए अपने आज की दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसा है कि आरती में शास्त्री जी द्वारा बहुत सारी मान्यता बताई जाती है। चैत्र मास के साथ साथ हमारे सनातन धर्म का नया साल शुरू हुआ है जी 2081। अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो 2024 चल रहा है, आप सभी को पता होगा, जो हम एक जनवरी को मनाते हैं नया साल। लेकिन हमारा नववर्ष सनातन धर्म का आज शुरू हुआ है चैत्र मास के साथ ही। और जो ऑफिशियल हमारा वर्ष चल रहा है वो चल रहा है जी 2081। जय माता दी। और अब बढ़ते हैं, आपको भवन के सारे अपडेट्स देते हैं पहले नवरात्रि के। जय माता दी। आरती संपन्न हुई है जी और इस समय मैं आप सबको माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन करवा रहा हूँ। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखेगा। और देख सकते हैं कि सुबह सुबह रोपवे की लाइन में बहुत सारे श्रद्धालु आपको देखने को मिलने वाले हैं। रोपवे में श्रद्धालु एंट्री कर रहे हैं जी। देखो, एक बार में 40 से 45 यात्री जाते हैं इस रोपवे में। रोपवे की टिकट रहती है जी 100 रुपीज अप एंड डाउन बोथ वे की। अगर आप चाहो कि आपको सिंगल वे की टिकट मिले तो वो नहीं हो सकता है। श्राइन बोर्ड के द्वारा आपको 100 रुपीज की पूरी ही टिकट लेनी पड़ती है और बाद में डिसीजन आपका है कि आप एक साइड जाना चाहें या आप आना जाना दोनों चीज़ें करना चाहें रोपवे में। जय माता दी। पहले नवरात्रे वाले दिन दर्शनों की जो लाइन है वो आप पहुंची है भैरव घाटी की चढ़ाई तक। ये देखो जी, यहाँ से आप क्रॉस करेंगे, सामने आपको डोमिनोज दिखने वाला है, डोमिनोज क्रॉस करके जाएंगे आगे सागर रत्न है एंड आफ्टरवर्ड गेट नंबर 3 से होकर आप जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखिए जी, श्रद्धालु रास्ते में बैठ गए क्योंकि दो ढाई ढाई घंटे हो गए हैं जी इन श्रद्धालुओं को लाइन में लगे हुए। और अभी भी जितना मेरे को अंदाजा लग रहा है कम से कम इनके 2.5 से 3 घंटे और लगेंगे और उसके बाद इनको दर्शन हो पाएंगे। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि ये जो लाइन बनी हुई है लाइन में कोई घुसता नहीं है, लाइन टूटती नहीं है। जिस क्रम में ये लगे हुए हैं, जिस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, बस उसी सीक्वेंस से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं देवी माँ के दर्शन पाने के लिए। दोस्तों, इस बार डेकोरेशन में एक और चीज़ स्पेशल है कि ये जो आप सामने देख रहे हो आपको ये ऐसे प्रिंटेड पैटर्न में पर्दे टाइप ऑफ देखने को मिल जाएंगे जो कि लगाए गए हैं। और जो सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत लग रहा है जी वो ये देखिए, त्रिदेवियाँ जी सामने, त्रिकुटा हिल्स है और माता रानी का भवन भी है सामने। जय माता दी। जय माता दी, बहुत ही खूबसूरत। इधर अपने भोले भंडारी, जय हो शंकर ही शंकर है, शंकर ही शंकर, जय हो जी, जय हो। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बस इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए, उज्जैन में पहुंचूं तो महाकाल नजर आए। तो जी ये देखिए, आपको गेट नंबर 6 से मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। श्रद्धालुओं की संख्या देख सकते हैं जी कैसे बढ़ रही है महामाई के दर्शन प्राप्त करने के लिए।
देखो जी कितनी ज्यादा भीड़ है। ये दृश्य आप देख पा रहे हैं जी पहले नवरात्रि के। जय माता दी। इस समय जी मैं आप पहुंचा हूं श्रीधर भवन में और श्रीधर भवन से मैं आपको ये ताजा दृश्य दिखा पा रहा हूं माता वैष्णो देवी जी के भवन का। ये देख सकते हैं जी, ये आप देख पा रहे होंगे सामने है स्काई वॉक, उस साइड है जी रोपवे की लाइन जा रही है वो सारी, और ये कुछ ताजा दृश्य। ये देखिए जी, ये जो राम दरबार बनाया गया है श्री अयोध्या जी, ये तो बहुत ही भव्य दिखाई दे रही है और बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है। दोस्तों दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं और देख सकते हैं जी स्काई वॉक में कैसे भीड़ लगी हुई है जी दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु थक थक के बैठ चुके हैं इस समय। जय माता दी। जय माता दी। सुबह से दोपहर हो गई है, ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाया अभी तक क्योंकि आप सबके लिए जो व्लॉग डालना था जो कि लाइव हो चुका है उसे अपलोड होने में बहुत टाइम लगा यार। इंटरनेट स्पीड आज इतनी गंदी चल रही थी ना यहाँ पे, क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल से जाके 4 घंटे बाद अपलोड हुआ है व्लॉग और आशा करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। अभी के लिए बता दूँ कि जो दर्शनों की लाइन चल रही है उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। सुबह आपको 6 नंबर गेट दिखाया था जहाँ पर भीड़ बरकरार थी और अभी भी भीड़ यहाँ पर बरकरार है। अभी के लिए थोड़ा भोजन पानी ग्रहण करते हैं क्योंकि भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो गई है वीडियो अपलोड करने के चक्कर में, और वीडियो में अंत तक बने रहे आपको सारा अपडेट दिया जाएगा जी प्रथम नवरात्रि का माता वैष्णो देवी जी के भवन से। जय माता दी। नवरात्रि के जैसे अपने व्रत चल रहे हैं जी, तो नारियल पानी पिया जा रहा है किसी जुगाड़ के साथ। राहुल भाई ने तो पी लिया, राहुल भाई कैसा रहा? बहुत बढ़िया। अब मैं जी अपनी बारी। ओ क्या बात है राहुल भाई, पी गए सारा, मजेदार। कैसा लग रहा सचिन भाई? मीठा है भाई साहब, मजा आ गया। क्या बात है। दोस्तों अगर आप भी प्लान कर रहे हैं नवरात्रि में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन प्राप्त करने का, तो आपको बता दें कि अगर आप रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको सबसे बढ़िया दर्शन होने वाले हैं क्योंकि इस समय आपको भीड़ भी नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने भी प्लान किया था कि सुबह हम अपने डोरमेट्री से 4 बजे निकल गए थे और 4:15 बजे तक लाइन में लगे थे। हमारा प्लान था आरती में बैठने का, इसलिए हम आरती में बैठ के 8:30 बजे तक बाहर आए थे। लेकिन अगर आप 3, 4 या 2 बजे जा रहे हो दर्शन करने के लिए तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लगने वाले हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त करने में, और आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे इतने कम समय में। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। जय जय माता दी। भवन पर जो भंडारा लगता है जिनका व्रत होता है उनके लिए स्पेशली, जिनका उपवास होता है, तो बस वही ग्रहण करके आए हैं। मन को बहुत ही संतुष्टि मिली है। सुबह से वैसे भी जलपान ग्रहण नहीं किया था, अभी के लिए भोजन किया तो थोड़ी सी आत्मा तृप्त हुई है। और आपको बता दूं कि शाम होते होते जो संख्या श्रद्धालुओं की वो कम हो चुकी है और जो स्काई वॉक है वो एकदम खाली पड़ा है। दर्शन करने के लिए अगर हम इस समय जाएं तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। देखो जी सारा स्काई वॉक खाली पड़ा है। स्काई वॉक अभी के लिए तो खाली है लेकिन रात होते होते तक भीड़ एक बार फिर से बढ़ने वाली है। अभी कुछ ही देर में आरती के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे और फिर रात को समझ लिए 8 या 9 बजे ही कपाट खोले जाएंगे, तो उस टाइम स्पैन में जितनी भी लाइन लगेगी और उसके बाद जो भीड़ बढ़ेगी वो देखने लायक होगी। दोस्तों भवन पर स्नान करने के लिए काफी लोग पूछते हैं कि कहाँ आना होगा। देख सकते हैं जी नीचे बाथिंग घाट बना हुआ है, और बाथिंग घाट की अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो सामने जी पुलिस चौकी है। सामने पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के जस्ट सामने आपको बाथिंग घाट मिल जाएगा। लेडीज एंड जेंट्स का अलग अलग रहता है जी, इस साइड राइट साइड जेंट्स का होता है और लेफ्ट साइड होता है जी लेडीज का। लेडीज का पूरा कवर किया होता है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा ओपन में नहीं नहाना चाहते हैं तो आपको बता दें सामने आपको पार्वती भवन दिखाई दे रहा होगा। ये सामने है जी पार्वती भवन,
इसमें नई सुविधा दी गई है जी स्नान करने की, थर्ड फ्लोर पर जो तीसरा फ्लोर है, तीसरे फ्लोर पर सुविधा दी गई है स्नान करने की। ओपन शावर्स बनाए गए हैं, तो अगर आप स्नान करना चाहें आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। जेंट्स का थर्ड फ्लोर पे है, लेडीज का सेकंड फ्लोर पे है। आज जो मॉर्निंग में वीडियो डाली थी उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई साहब आप तो लेट हो गए वीडियो डालने में। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा लेट जरूर हुआ हूँ क्योंकि इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है भवन पर, लेकिन लोगों ने ये बोला कि आपने गलत बताया अर्थक्वारी में डेकोरेशन हो चुकी है। तो मैं बता दूं भाई साहब, मैं कल दोपहर में अर्थक्वारी पे था, डेकोरेशन बिल्कुल नहीं थी। आप लोग जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख रहे हो वो पिछले साल की है, पिछले नवरात्रि की है। जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने तो वीडियोस डाल लिया कि भवन सज चुका है, पर ऐसा है कि मिसगाइड मत होइए, कल रात तक अर्थक्वारी अच्छे से नहीं सजाया गया था, लेकिन हो सकता है कि अब सज गया हो। इन्फॉर्मेशन जो भी दी जा रही है वो एकदम ऑथेंटिक है। और बाकी इस साइड है जी भवन, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र भवन का। जय माता दी। देखो जी स्काई वॉक थोड़ी देर पहले दिखाया था, एकदम फुल पैक पड़ा था, लेकिन अभी के लिए खाली हो चुका है जी। इस बार जो डेकोरेशन की थीम है वो श्री राम जी के ऊपर रखी गई है, तो आपको डेकोरेशन में श्री राम जी की प्रतिमाएं और जैसे अयोध्या जी का, श्री अयोध्या जी का बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चर बनाया है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो मेनली जो डेकोरेशन का यहाँ पर सारी चीजें हैंडल करते हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के उपलक्ष पर इस बार की जो डेकोरेशन की थीम है वो श्री राम जी के ऊपर ही रखी गई है, और ये चीज बहुत ही अद्भुत है। देखिए जी माँ शैलपुत्री जी के आप दर्शन कीजिए, जिनको प्रथम नवरात्रि समर्पित होता है। जय माँ शैलपुत्री। देखो जी लोकर नंबर 3 वर्किंग है अभी के लिए और भीड़ भी बहुत कम है, अदरवाइज सुबह तक जो लाइन थी लोकर नंबर 3 की वो बाहर तक जा चुकी थी, सामने अनाउंसमेंट काउंटर है वहां तक लाइन जा चुकी थी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर ज्यादा संख्या देखने को नहीं मिल रही होगी श्रद्धालुओं की। यह स्काई वॉक, या आप इसे गेट नंबर 3 के नाम से जानते होंगे, जहाँ से आप दर्शन करने जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के। और सामने आप दर्शन कर सकते हैं जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश जी के। जय हो। और साथ में इस साइड आप मेरे राइट साइड में रोपवे की लाइन देख रहे होंगे जी, आगे से आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन हल्की सी लाइन आपको केवल यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। दोस्तों काफी श्रद्धालु पूछते हैं कि जिनके पास ऑनलाइन टिकट होती है उनकी एंट्री कहाँ से होगी, तो देख सकते हो सामने लिखा हुआ है जी ऑनलाइन क्यू। इस साइड से आते हैं ऑफलाइन वाले जो कि बाहर से लाइन से लग के आते हैं, लेकिन जिनके पास ऑनलाइन टिकट होती है उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है। इस साइड से भोजनालय की साइड से आप एंट्री करके, ये सामने छोटा सा गेट लगे यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है, और आप ऊपर से होकर रोपवे में जा सकते हैं। और देख सकते हैं कि शाम के 5 बजे रोपवे बंद कर दिया गया है, टाइमिंग्स नोट कर लीजिए, मॉर्निंग में 7 या 8 बजे ओपन होता है रोपवे और शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाता है। टिकट देनी बंद की जाती है शाम को 5 बजे, लेकिन जो रोपवे यात्रियों को लेके आता रहता है वो ऑलमोस्ट 6:30-6:30 बजे तक रोपवे चलता है। तो अगर आप 5 बजे टिकट ले भी लेते हो तो आपको अप डाउन दोनों करवाया जाएगा। देख सकते हो वो सामने रोपवे जा रहा है, काउंटर बंद हो चुका है लेकिन रोपवे वर्किंग है। सारे यात्री जितने भी ऊपर है श्रद्धालु, अनाउंसमेंट्स की जाएंगी कि आखिरी बार रोपवे चलने वाले जो भी यात्री रह गए हैं वो कृपया करके नीचे चले जाए, तो जब ये अनाउंसमेंट हो जाए तो समझ लो उसके 5-10 मिनट बाद रोपवे बंद हो जाएगा। जय माता दी। बोले साचे दरबार की जय। जय माता दी। इस साइड बैटरी कार की लाइन लगी है जो कि बैटरी कार में नीचे वापस अर्थक्वारी तक जाना चाहते हैं। ऑनलाइन बुकिंग्स वाले खड़े थे, वो ऑफलाइन वाले इस साइड खड़े होंगे। और देखिए जी सामने महामाई का महामंत्र लिखा हुआ है जी, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। जय माता दी, जय हो मैया। कुछ श्रद्धालुओं ने ये बोला था कि जैसे हम भवन पे एंट्री करते हैं तो वहां पर कैसी डेकोरेशन हुई है कृपया करके दिखाई जाए, तो देख सकते हैं जी एक तो ऊपर से रोपवे आ रहा है और सामने विराजमान है भोले बाबा और माता पार्वती। जय हो शिव शक्ति की जय। जय हो जय हो। देखो जी यूं तो सारा भवन खाली पड़ा है, ज्यादा यात्री आपको नहीं दिख रहे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो जी कितनी संख्या है श्रद्धालुओं की। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्वती भवन है यहाँ पर आपको लॉकर मिलते हैं जिसमें आप अपना लगेज सबमिट करवा सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे लॉकर है, सेकंड पे
लेडीज का वॉशरूम्स है, नहाने का है सुविधा, ऊपर थर्ड फ्लोर पे जेंट्स की सुविधा है, और इस साइड है भेंट शॉप या फिर आप इसे प्रसाद काउंटर भी बोल सकते हैं, जहाँ से आप प्रसाद लेकर, नारियल प्रसाद अगर आप लेना चाहें तो ये जो ऐसे काउंटर होते हैं, भेंट शॉप बनी होती है, यहीं से लिया कीजिए और आप अर्पण कर सकते हो देवी माँ को। जय माता दी। ये देखो जी, पार्वती भवन के बाहर ही लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर अलॉटमेंट ऑफ लॉकर्स, फर्स्ट फ्लोर लॉकर एरिया, सेकंड फ्लोर वॉशरूम टॉयलेट्स फॉर लेडीज, थर्ड फ्लोर वॉशरूम टॉयलेट्स फॉर जेंट्स। लेकिन अगर आराम करना हो तो यात्री यहाँ पर भी ब्लैंकेट्स वगैरह भी छा लेते हैं, यहाँ पर भी लेट सकते हैं। और ये जो आप सामने काउंटर देख रहे हो, रिसेप्शन काउंटर, यहाँ पर आपको अलॉटमेंट होती है आपके लॉकर्स की। आप सबके लिए वीडियो शूट करते करते शाम हो चुकी है, और आज का जो मेजर अपडेट होने वाला है वो अब बताऊंगा आप सभी को, कि जो शाम की आरती का समय, जय माता दी, जयकारा मां शेर वाली दा, वो सच्चे दरबार की जय। देख सकते हैं जी, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स आया जो कि जलंधर से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया भवन पर। कैसी रही जी आपकी यात्रा? बहुत अच्छी। और दर्शन कैसे रहे? बहुत अच्छे दर्शन रहे। और अपना कुछ दो शब्द बोल दीजिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए प्लीज। हाँ जी, ऐसी है जी, इनकी वीडियो जरूर देखा करिए। अच्छा, बहुत नॉलेज मिलती है इधर आने के लिए, फैमिली के साथ तो मजा ही आ जाता है इधर आके। फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस हर साल। कितने साल बाद आए हो? स्वर्ग है मतलब। चलो बढ़िया, जयकारा लगा दे जल्दी से, जयकारा मां शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। मैं आप सबको आज का मेजर अपडेट बता रहा था, तो मेजर अपडेट ये है कि जो शाम की आरती है, संध्या आरती का समय बदल चुका है। पहले आरती शुरू होती थी शाम की 6:20 पर, लेकिन अब के लिए जो शाम की आरती आज से शुरू होने वाली है वो होगी जी 7:20 से। ये आरती का समय चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता है गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो जो दिन है वो बड़े होने शुरू हो गए हैं। मॉर्निंग की आरती का टाइम सेम है, लेकिन जो शाम की आरती है उसका टाइम चेंज हो चुका है। और चलो जी, बाकी बताया आपको कि शाम की आरती का टाइम चेंज हो चुका है, तो अगर आप फ्री वाली लाइन में लगना चाहो आरती में, यार देखो वैसे ना नवरात्रि में अटका आरती प्रांगण में बैठना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि यार बुकिंग्स ना फुल आ रही है अभी के लिए। लेकिन अगर आप नवरात्रि के आगे या पीछे आ रहे हो तो आपको अटका आरती में फ्री में आप बैठ सकते हो। शाम की आरती का अगर समय 7:20 हुआ है तो समझ लो 40 या 45 पहले कपाट बंद कर दिए जाते हैं, सफाई होती है, और समझ लो 6:30 लाइन लगनी शुरू हो जाती है। 6:15 या 6:15 तीन नंबर गेट पे पहुंच जाओ अगर आप फ्री वाली आरती में बैठना चाहते हो, फ्री वाली लाइन वहीं से जाती है। जय माता दी। यार साथ ही साथ ना आपको ठंड का अपडेट देना चाहूंगा कि लोगों को लग रहा होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, हालांकि मैंने भी कल की वीडियो में बताया था, लेकिन जो गर्मी है यार वो आपको यात्रा मार्ग पे देखने को मिलने वाली है। जब आप यात्रा करोगे तो तब आपको गर्मी का एहसास होगा, हालांकि जब आप भवन पे भी आओगे, अगर सूर्य देवता अच्छे से निकले हुए हैं तो आपको भवन पे भी दिन में गर्मी का एहसास होगा, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव अस्त होंगे, सूर्यास्त होगा, उसके बाद भवन पर ठंड बढ़ जाती है। देखो ऐसा कोई महीना नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस टाइम भवन पर शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक आपको ठंड ना मिले। तो समझ लीजिए 12 महीने 365 दिन शाम की और अर्ली मॉर्निंग की और रात की तो आपको ठंड मिलने ही वाली है। तो अगर आप नवरात्रि में प्लान कर रहे हैं आने के लिए और नाइट स्टे यहाँ पे करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप एक आधी फुल स्लीव की लेयर जरूर कैरी कीजिएगा। मैं भी अपने साथ एक ही लेके आया हूँ और आई थिंक इट इज़ सफिशियंट। नो के नो नवरात्रि रुकना है, पर कोई बात नहीं, आपको रोज़ सेम कपड़े दिखा देंगे। और और ये देखो जी, पीछे जो रोपवे की लाइन लगी है, काउंटर बंद है लेकिन लाइन अभी भी चल रही है। ये जितने यात्री भी लाइन में लगे हुए हैं इनको ऊपर लेकर भी जाया जाएगा और ऊपर से वापस नीचे लेके भी आया जाएगा। जय माता दी। वो देखो जी, रोपवे से एग्जिट हुआ है, इस साइड से एग्जिट हुआ है, ये वाले पॉइंट से एग्जिट हो रहा है श्रद्धालुओं का, और ये जो लाइन में लगे हुए हैं यात्री आगे से जाके उस साइड से एंट्री लेंगे और फिर ऊपर बढ़ेंगे रोपवे से होकर। ये थी आज की वीडियो, अभी के लिए मैं आ चुका हूँ मनोकामना भवन में, अपने जो डोरमेट्री है जल्दी से डोरमेट्री लेते हैं, थोड़ा बहुत आराम करेंगे और आशा करूँगा कि शाम तक आप ये वीडियो देख पाओ। आज 9 मार्च है, जिसकी 9 मार्च की ऑनलाइन बुकिंग हमने करवा ली थी, और बस कुछ ही देर में अपने डोरमेट्री लेकर बेड पर बैठ के आराम से एडिट करेंगे और आप सबके लिए शाम तक ये वीडियो लाइव कर दी जाएगी। डोरमेट्री की स्लिप अपने हाथ में आ गई है,
ऑनलाइन बुकिंग जो करवा के आया था उसमें हमें मिला है जी डोरमेट्री 204 में 3 और 4 नंबर बेड मिला है, साथ में विनोद भाई अपने। इसी नोट पर अपनी आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो दी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखिए जयकारा माँ शेरावाली जी का, बोले सच्चे दरबार की जय। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी कल की वीडियो में, दूसरे नवरात्रि का आपको कल लाइव अपडेट दिखाएंगे माता वैष्णो देवी जी के भवन से। और अब बिना की देर की आज की वीडियो करते हैं कंप्लीट, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, बाय बाय।